नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। गोटेगांव में कागज के रद्दी टुकड़ों का असली नोट बनाने वाला केमिकल बेचने वाले 5 धोखेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये आरोपी लंबे समय से घूम घूम कर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते रहे। पूर्व में जबलपुर के गड़ा थाने में भी इन पर मामला कायम है। आपको बता दें कि गोटेगांव के भगत सिंह बोर्ड में रहने वाले रानू दुबे को इन आरोपियों ने अपनी लच्छेदार बातों से फंसाकर 10 गुना रुपए की तरकीब बताई। आरोपियों की बातों में आकर रानू ने 5,000 रुपए नकद देने दिए। तब इन्होंने उसे काले रंग के कागज की 5 गड्डियां देने के साथ ही कुछ केमिकल युक्त तरल पदार्थों की 2 शीशी देकर चले गए। जब शानू ने उनके बनाए अनुसार कागज के टुकड़ों को केमिकल में डुबोया तो नोट न बनने पर उसे अपने ठगे जाने का एहसास हुआ, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। गोटेगांव पुलिस को सूचना देने पर मामला दर्ज करते हुए जबलपुर के विभिन्न स्थानों से राकेश विश्वकर्मा, मलखान नायक, मनीष चौधरी, राजू चौधरी, मुनिराज को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। शानू पिता केदार प्रसाद दुबे हैं, जो शिक्षक कॉलोनी गोटेगांव के रहने वाले हैं। ये कल दिनांक को रिपोर्ट किए थे कि इनके पास एक राकेश विश्वकर्मा, जो जबलपुर का रहने वाला है, ये आया और इनको बताया कि हम पैसे आपको डबल करके देंगे। उनने प्रयोग बतौर बताया भी, दिखाया भी घर में जाकर उनको। सुमंत इनके मामा, उसके बाजू में 200 का नोट उन्होंने रगड़ा और उसमें पट्टी में रख के और चलवा के भी दिखाया उसने। रिंकू किराना करके दुकान था, वहाँ चलाया भी उसने, वो चल भी गया ना, तो इसको विश्वास हो गया। फिर इनके तय हुआ कि भाई हम 5,000 दे दो हमको, तो हम आपको 50,000 दे देंगे। ऐसा करके इनके तय हुआ, उसने दे भी दिया। फिर इसको शक हुआ कि ये इस टाइप का ऐसा कर रहे थे। फिर थाने में रिपोर्ट किया, तो अपराध दर्ज कर फिर इनको तलाश की गई। जो 5 जो आरोपी हैं, राकेश विश्वकर्मा है, रज्जू है, मनीष चौधरी है और मुनिराज करके हैं, ऐसे ये 5 सभी जबलपुर के हैं। इनको टीम बनाकर थाना प्रभारी गोटेगांव जो प्रभात शुक्ला जी, इनके निर्देशन में यहाँ के उपनिरीक्षक दिलीप सिंह और ASI यादव हैं और भी अन्य स्टाफ है, आरक्षक श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी बताया गया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया, उनके निर्देशन में टीम भेज कर 5 को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से नगद 5,000 के असली नोट हैं एवं जो नकली जो कागज के हैं वो गड्ढे, वो भी जब्त किए गए हैं और गिरफ्तार कर इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। किस तरीके से वारदात को अंजाम देते थे इन लोग, किस तरीके से ठगी करते थे? यही कि इनको जैसे पहले नोट जो रहता है असली, उसको जिसके बता के इसको चला के देख लो, चल जाए तो आप फिर हमको पैसा देना, तो हम उतने नोट बना के दे देंगे। मतलब असली नोट को उसमें केमिकल का उपयोग करके, एक पाउडर रहता है इनके पास और एक केमिकल रहता है उसमें, और वो पाउडर और पानी में मिला के उसको घिस के और उसी कलर में नोट वोट लगा के वो बिल्कुल सेम कलर बना के जिस नोट को आप मिला के घिसेंगे वैसे ही, जैसे 50 करने के मिलाएंगे तो 50 का उसमें घिस के साफ आ जाता। कुछ पता चला इसके पहले ये लोग कहाँ कहाँ वारदात को अंजाम देते थे? हाँ, ये पहले जबलपुर में गड़ा थाने वगैरह में गिरफ्तार हुए हैं, ऐसी जानकारी है। फिर उनका रिकॉर्ड लिया जा रहा है, रिकॉर्ड लेके फिर उनको संलग्न। तो क्या ये लंबे समय से यह काम कर? हाँ, ऐसी जानकारी में है और अभी पूछताछ में भी चल रहा है, अभी रिमांड में भी लेंगे इनको।